Hey guys, welcome to my channel and welcome back to my again new video. Assalamualaikum. तो अभी जो है ना मैं बना रही थी खाना और आज मैं बनाऊंगी बैगन. बैगन पहले चेक करने पड़ेंगे क्योंकि ना दो तीन दिन से लाके रखे हुए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बैगन इसमें ख़राब निकलेगा. आई थिंक दो तीन तो निकलेंगे ही आराम से. भले ही ऊपर से एकदम अच्छे दिख रहे हैं लेकिन अंदर से जो है ना ये ख़राब हो गए. ऐसे भी ज़्यादा बैगन नहीं है, कुछ होंगे 5-6 बैगन होंगे लेकिन काफ़ी है क्योंकि खाने वाली मैं हूँ. इसके डैडी बैगन नहीं खाते लेकिन आज उनको मैं बैगन खिलाऊँगी. और मतलब सालन का टेस्ट अच्छा रहेगा. बैगन भले वो खाए ना खाए उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सालन अच्छा टेस्टी रहना तो फिर वो खा लेंगे. ठीक है, मैंने इससे पहला भी ऐसे ही कुछ किया था, नहीं नहीं बोल के उनको खाना खिला दिया मैंने, बैंगन का सालन, और फिर उन्होंने दोबारा लिया था बैंगन का सालन क्योंकि उनको अच्छा लगा था. इस बार मैं फिर वही करने वाली हूँ. खैर, यहाँ पर बैंगन जो है ना मैं कट करी थी तो क्या हो गया ना, ये टोटल थे 6 बैंगन में से 2 बैंगन है ना ख़राब निकले और 4 बैंगन अच्छे थे. ठीक है, तो 4 बैंगन ले लिए और 2 आलू भी डाल दिए मैंने क्योंकि आलू बिना बैंगन मुझे नहीं पसंद, तो आलू लाजमी डालती हूँ. और यहाँ पर जो है ना मैं हरी मिर्ची क्लीन करके ले लेती हूँ. और आपसे एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करनी थी मुझे. वैसे कल मैंने पोस्ट भी किया था तो मैंने सोचा कि नहीं मैं कोई वीडियो में आपसे मैं खुद कह दूँगी. एक्चुअल में मैंने अपनी जो चैनल का नाम है ना वो चेंज कर दिया. क्यों चेंज किया पता है क्या? एक्चुअली हुआ ऐसा कि मुझे YouTube की तरफ से मैसेज आया था कि आपको अपने चैनल का नाम जो है ना चेंज करना पड़ेगा. पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा मैसेज मुझे मिला YouTube की तरफ से. मेरे ख्याल से ऐसा होगा ना कि ऑलरेडी एक तो सेम नाम से चैनल किसी ना किसी का बना होगा, शायद यही वजह हो सकती है, नहीं तो अदरवाइज़ कोई वजह ही नहीं समझ में आ रही ना दिखाई दे रही मुझे. खैर, अगर नाम चेंज करने के लिए बोले तो फिर मैंने कर दिया. मैंने उस बात में ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने सोचा बस इतना ही कि नहीं चले नाम चेंज करने के लिए बोल रहे तो कर देते. तो मैंने सारा से ही मिलता जुलता नाम रखा. मेरे चैनल का पहला नाम था लाइफ विद सारा मॉम व्लॉग्स और अभी जो मैंने नाम रखा है वो है सारा मॉम एंड फूड. पता नहीं आपको ये नाम कैसा लग रहा होगा, मुझे भी ठीक ठाक लगा लेकिन आदत हो जाएंगी. ये जो नाम मैंने अपने चैनल का रखा है ना सारा मॉम एंड फूड, ये सूट हो जाएगा आगे चल के मुझ पर. आपसे बातें करते करते मेरा सालन जो है ना बनने को आ गया. ये देखिए मैंने रेसिपी भी नहीं शेयर की. खैर, वैसे तो मैं अम्मी के वहाँ गई थी तो मैंने वहाँ पर बैंगन बनाए थे. हाँ, सूखे बैंगन बनाए थे ना, ऐसा गीला सालन नहीं बनाया था. खैर, इसे बनाना वैसे बहुत ईजी है. मैंने इसमें ना ग्रीन मटर भी डाले, आलू तो है ही, और ये बहुत मज़ेदार सालन जो है ना बन के तैयार है. और इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी हरी मिर्ची डालकर. ठीक है, इसके साथ हम लोग जो है ना वाइट खिचड़ी खाएंगे. मुझे आप सब से एक और ख़ास बात करनी है, बहुत ख़ास बात है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपसे वो बात का जिक्र ज़रूर करूँगी क्योंकि वो बात मुझे आप सबको ज़रूर से बतानी है. और मेरा आने वाले ब्लॉग का ज़रूर से इंतज़ार करें क्योंकि वो बात मुझसे जुड़ी हुई है. मेरी 4 साल की मेहनत है, बस उसी बारे में जो है ना मुझे आपसे डिस्कस करनी है. मैं कुछ बताऊंगी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. मेरा बच्चा स्कूल से आ गया था जोहान, उसको मैंने फ्रेश करवाया. आज उसको ना कुर्ता पहनने का दिल था. मैं बोली कि बेटा आज फ्राइडे नहीं है, तो बोलता मम्मी नहीं मैं आज कुर्ता ही पहनूंगा. और अभी जो है ना मैं यहाँ पर बच्चों की बिस्किट वगैरह जो है ना सब कंटेनर में डाल के रख रही हूँ. बारिश में ना खुले पैकेट रखो बोले तो बड़ी मुसीबत हो जाती है, सारी चीज़ वेस्ट हो जाती है. क्यों? क्योंकि खुला पैकेट हो तो फिर वो चीज़ उसमें थोड़ी ना ठीक रहेगी, नरम हो जाती और फिर वो खाए से खाई नहीं जाएगी क्योंकि आखिर वो है बिस्किट. बिस्किट अच्छी क्रिस्पी रही तो ही खाई जाती है, नरम होने के बाद कहाँ खाई जाती है. तो खैर मैंने इसको कंटेनर में रखा है. और अभी जो है ना मैं अभी खाना निकाल के ले लेती हूँ. पापड़ भी मैंने फ्राई किए हुए हैं, चावल के पापड़ और ये वाइट खिचड़ी. मिर्ची वाली खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है भाई, मिर्ची इसलिए मैं अपने लिए जो ना 1-2 निकाल लेती हूँ खाने में, मुझे मिर्ची बहुत पसंद है. अल्हम्दुलिल्लाह खाना हम सबका हो चुका था और सालन आलू बैंगन का बहुत ही मज़े का बना था, बहुत टेस्टी लग रहा था. इसके डैडी ने बैंगन नहीं खाए लेकिन हाँ आलू
मटर और सालन ज़रूर खाया, बैंगन हटा दिए उन्होंने। खाना खाए हुए बर्तन मैंने वॉश कर लिए और मुझे आज जो है ना मेरा वॉश बेसन जो है ना अच्छा डीप क्लीनिंग करके लेना था, सो मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग किया, एकदम से मैंने अपना सिंक जो है ना चमका दिया। आप देख सकते हो मैंने ना इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, आई होप कि आपने वो शॉर्ट वीडियो वॉच किए होंगे। अच्छा ये था रात का टाइम और इसके डैडी ने जो है ना चाइनीज़ मंगवाई थी क्योंकि मैंने दोपहर में आलू बैंगन बनाए थे, इन्होंने खा तो लिए थे आलू बैंगन का सालन लेकिन रात में नहीं खाएंगे वो, तो इसके लिए उन्होंने चाइनीज़ ऑर्डर की थी और फिर उनके साथ साथ हम भी चाइनीज़ ही खाएंगे, आलू बैंगन रह गए साइड में। ये हो गया था दूसरा दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग थी, मेरी बेटी को मैंने अभी उठाया है क्योंकि उसका स्कूल जाने का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग उसको उठना होता है और बेचारी मेरी बेटी नींद में ही होती है, आंखें भी नहीं खुलती है उसकी, आंखें बंद होती है और मैं उसके बाल बनाती हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम अभी थोड़ा ठंडा है और यहाँ पर मैंने अपनी बेटी का जो है ना यूनिफॉर्म वगैरह सब निकाल लिया है, टिफ़िन बॉक्स भी डाल दिया है। बेटी के स्कूल जाने के बाद मैंने जोहान को रेडी करके उसको भी माशाल्लाह स्कूल के लिए रवाना कर दिया और अभी जो है ना मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते में पता है क्या बन रहा है, कल मैंने आलू बैंगन बनाए थे ना तो रात में हम लोग ने चाइनीज़ मंगा के खाई थी तो चावल बचे हुए हैं, सालन भी थोड़ा बचा हुआ है, तो खैर सालन तो मैंने फ्रीज में रखा है लेकिन वो चावल से जो है ना मैं बनाने वाली हूँ तवा पुलाव, तो बस उसके लिए सारी वेजिटेबल्स मैंने फ्रीज से निकाल दी थी और अल्लाह का शुक्र था कि मेरे पास सारी वेजिटेबल जो है ना बची हुई थी, सब थोड़ी थोड़ी सी थी तो मैं ये सब तवा पुलाव में डालने वाली हूँ, गाजर थे, बीन्स, शिमला मिर्ची और मैंने टमाटर प्याज भी ले लिए। ठीक है, सारी वेजिटेबल्स को ना एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेना है, ठीक है, तवा पुलाव में ये सारी वेजिटेबल्स अच्छी लगती है। और मैंने ग्रीन मटर भी निकाली, मटर भी तवा पुलाव में डालूंगी, मैंने ना जू बीच पे खाया था तवा पुलाव तो उसमें मटर भी थे तो वही ध्यान कर करके जो है ना मैं इसमें वेजिटेबल सारी ऐड कर रही थी, तो मेरे पास है ना सारी ऑलमोस्ट सब्जियां हो गई थी और मैंने आलू भी बॉईल किए थे और तवा पुलाव में ना टमाटर का भी इस्तेमाल भरपूर होता है, दो टमाटर ले लिए थे और दो आलू को जो है ना मैंने बॉईल पहले ही करने के लिए रख दिया था, तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। अब मेरे पास है ना देखिए इतना बड़ा तवा तो नहीं है जैसे होटलों में होता है, ठीक है, हाँ नॉर्मल साइज़ है, इतनी सारी क्वांटिटी जो रहेगी मेरे नॉर्मल तवे पे नहीं आएगी, तो मैं सोच रही हूँ ना कि इसको कढ़ाई में बनाऊँ। अच्छा ये रही कलर वाली मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची, इसको पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, इससे क्या होगा ना कि तवा पुलाव में जो है ना कलर बहुत अच्छा आएगा। ये मिर्ची ना तीखी बिल्कुल भी नहीं है, फीकी है लेकिन हाँ कलर बहुत अच्छा आएगा तवा पुलाव में। हम जू बीच पर खाते हैं ना तवा पुलाव बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाना है, बिल्कुल ध्यान कर करके जो है ना मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड की। इसे कढ़ाई में बना रही हूँ तो इसको फिर मैं तवा पुलाव क्यों बोल रही हूँ, आप तो यही सोच रहे होंगे, जबकि मैं इसको कढ़ाई में बना रही, लेकिन मेरे को पता है आप लोग इतने भी वो नहीं होंगे, आप दोनों एंगल से सोचेंगे कि हाँ मेरे पास तवा इतना बड़ा नहीं है तभी तो मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। सबसे पहला मैंने तेल ले लिया था ज़रूरत के हिसाब से, उसमें प्याज डाल दी थी और उसके बाद मैंने फौरन अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, उसके बाद एक एक करके जो है ना इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लेनी है। पहला तो मैंने गाजर डाला था, बीन्स डाले, फिर उसके बाद मैंने ग्रीन मटर डाले, शिमला मिर्ची डाल दी, टमाटर डाल दिए, आलू भी डाल दिए और ये पिसा हुआ लाल मिर्ची का पेस्ट भी ऐड कर लिया, देन हल्दी, धनिया पाउडर और इसमें मैंने पाव भाजी मसाला ऐड किया। तवा पुलाव में ना पाव भाजी मसाला जो है ना यही सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है, इससे तो जो है ना तवा पुलाव बहुत अच्छा बनता है। अच्छा मैंने इसमें ना चॉप धनिया डाला है, नमक भी डाला है और वेजिटेबल्स जो है ना अच्छे से पका लेनी है, बिल्कुल भी कच्ची वेजिटेबल्स नहीं रखनी है। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो आलू बैंगन के साथ खिचड़ी बनाई थी तो फिर ये चावल कहाँ से आ गए, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, खिचड़ी तो मैंने थोड़ी सी बनाई थी दोपहर में लेकिन शाम के लिए ना मैंने थोड़े से चावल चढ़ा दिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसके डैडी चाइनीज़ ला लेंगे तो वो चावल ऐसे के ऐसे ही रख दिए, सो मैंने इसको तवा पुलाव बना के यूज़ कर लिया, खा लिए, मस्त इन्जॉय किए और
बस सेम था, मतलब वही किया मैंने कि मसाला वगैरह में चावल डाल दिए और ढक के दम पे रखा है। और उसके बाद जो है ना, मैं नीचे आ गई थी, मेरे को ना तवा पुलाव के साथ रायता बनाना था, क्योंकि मेरे को टाइम पे याद आया कि जब मैंने जू बीच पे तवा पुलाव खाया था तो उसके साथ जो है ना बूंदी का रायता हमको दिए थे, सर्व किए थे खाने के लिए। तो फिर मैंने बूंदी लेने के लिए नीचे आई और फिर यहाँ से जो है ना मैंने लस्सी भी ली, क्योंकि देख के बहुत दिल हुआ कि लस्सी भी पीऊँ। ऐसी भी गर्मियाँ हैं, कभी ठंडा लगता है कभी गर्म लगता है। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बेटे को भी जाती जाती ले लूँ, क्योंकि ना उसका स्कूल छूटने का भी टाइम था। थोड़ी देर मैंने यहाँ वैसे वेट किया क्योंकि मैं जल्दी उतर गई थी नीचे, सामान भी लेना था बोल के। सो बस फिर 10-15 मिनट के बाद फिर मैंने अपने बेटे को ले लिया स्कूल से और अभी मैं जा रही थी घर। घर पे आने के बाद मेरे बेटे को मैंने फ्रेश करवाया और उसके बाद मैं सुकून से बैठ के लस्सी पी रही थी। मेरा बेटा लस्सी नहीं पीता है, इसके लिए मैंने उसको नहीं दिया, नहीं तो आप सोचेंगे कैसी माँ है अकेली लस्सी पी रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो पीता नहीं तो मैंने दिया भी नहीं। तो बस फिर मैंने क्या की कि दही को फेंट लिया है और यहाँ पर जो है ना मैं अभी इमरजेंसी में चाय बना रही थी, क्योंकि इसके डैडी का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था चाय पीने का, तो इसके लिए चाय पकने रखी। और यहाँ पर जो है ना मैंने दही में बूंदी डाल दी और इसमें ना सिर्फ मेरे को नमक और काली मिर्ची का पाउडर ऐड करना है, बस इसको मिक्स करके और इसको ना ढक करके रख दूंगी ताकि बूंदी जो है ना दही में अच्छे से भीग जाए। तवा पुलाव के साथ बूंदी का रायता बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो फेवरेट हो गया है। मैंने लास्ट टाइम खाया था जू बीच पर, तब से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है तवा पुलाव के साथ ये बूंदी का रायता। अच्छा यहाँ पर जो है ना मैंने चाय निकाल के इसके डैडी को दे दी और अभी जो है ना मैं तवा पुलाव खाऊंगी, उसके डैडी बाद में खाएंगे क्योंकि उन्होंने अभी चाय पी तो वो थोड़े टाइम बाद खाएंगे। मैंने यहाँ पर जो है ना तवा पुलाव अच्छा भर के ले लिया, डाइटिंग नहीं करूँगी आज, पेट भर के खाने वाली हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट है। इतनी मेहनत करके बनाई तो मैं धोनी वाले ज़्यादा लूँगी। और आप सब भी आ जाए मेरे साथ तवा पुलाव खाए और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो का इंतजार करें।